नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के ऑलरेडी RNA और DNA जो सीरीज चल रहा था उसी को लेकर उपस्थित हूं, और आज स्पेशली एक टॉपिक को हम लोग डील करेंगे जो मुख्यतः हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ है। और डिफेंस जो होता है हमारे आंतरिक और बाह्य यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसी सीक्वेंस में मैं आज इस टॉपिक को लेकर आया हूं, और जो स्टूडेंट UPSC CSE 2022 अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके फाउंडेशन बैच 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल जो है ऑलरेडी वो बैच शुरू है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यह करंट अफेयर्स काफी सुटेबल होगा, जिसको हम लोग रेगुलर न्यूज एनालिसिस और डिटेल न्यूज एनालिसिस के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग इन ईयू नेवो 4 ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की बात करेंगे। कि यह जो बेसिकली जो हम बात करते हैं, ध्यान देना, इन ईयू नेवो 4 ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की बात करेंगे। यह मुख्यतः, ध्यान देना, भारत जो सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें अरब सागर और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के किनारे बहुत सारे देश है, जो खासकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के, खासकर मिडिल ईस्ट एशिया की हम बात करते हैं, फिर अदर बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो म्यांमार की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, और अगर आइलैंड्स के भी समय बात करेंगे तो मालदीव की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, और इधर अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं तो वहां से इंडोनेशिया, सिंगापुर, और नीचे अगर इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः, यह ऐसे आइलैंड्स और कुछ क्या है कंट्री जो कि भारत के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन इस तरीके से करते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से वैश्विक चुनौतियां यानी ग्लोबल चैलेंजेस जो हमें मिल रहे हैं, उसी के सीक्वेंस में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह ग्लोबल सीक्वेंस का ही पार्ट है, जिसमें कहा जाता है कि अगर दो या दो से अधिक देशों को अगर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं, इसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और यही नहीं, इसे हमारे बायलेटरल रिलेशंस भी सुदृढ़ होते हैं और काफी अच्छे होते हैं। और वैसे भी आने वाले दिनों में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो चेंज हो रही है, तो आने वाले दिनों में समुद्र का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसी के सीक्वेंस में जो यह एक्सरसाइज किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, यह बेसिकली किन किन देशों के द्वारा किया गया है, और ये कहां हुआ है, और इसका मेन मकसद क्या है, इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए देखेंगे इन ईयू नेवो 4 ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, यह जो नेवल एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो यह ज्वाइंट ऑपरेशन है, यानी इन ईयू नेवो 4 अभ्यास जो है ये गल्फ ऑफ अदन की बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ अदन की बात करते हैं, और यह गल्फ ऑफ अदन में आयोजित होगा। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ कौन कौन से देश होंगे, तो इसमें इटली होगा, स्पेन होगा और फ्रांस होगा। अगर इस मैप को देखोगे तो इटली, अगर फ्रांस की बात करें और ये स्पेन की बात करें, अगर ये तीनों देश जो अगर देखेंगे तो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ कंट्री है, और मेडिटेरियन सी को अगर हम ज्वाइंट अगर देखें तो मेडिटेरियन सी मुख्यतः जिब्राल्टर स्ट्रेट से जो अटलांटिक ओशियन से आप देखेंगे तो उसको हम लोग गेटवे ऑफ
क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं या मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो बेसिकली कनेक्टिविटी देता है किसको, अटलांटिक ओशियन और आपके मेडिटेरियन सी को। और उसी के ऊपर जो देश बसा हुआ है, एक तरफ पुर्तगीज है और एक तरफ स्पेन है। और उसके जब आप आगे आएंगे तो इटली, और फिर ऊपर जाएंगे तो आपका फ्रांस। ये और ये भारत के साथ आप देखेंगे कि इन ईयू नेव फोर ज्वाइंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ चार देश होंगे, इटली, स्पेन, फ्रांस और खुद इंडिया। तो यह जो पार्ट आप देख रहे हो, यह चारों देश मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज चला रहे हैं। ये नौसैनिक अभ्यास जो है इसमें मुख्यतः यह ध्यान देना, उन्नत वायु रक्षा यानी कि काफी हाईली एयरफोर्स, पनडुब्बी रोधी अभ्यास जो पनडुब्बी सब मेरिन जो होती है उसके लिए एक्सरसाइज, सामरिक युद्ध अभ्यास यानी स्ट्रेटजिक जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इसके अलावा एक्सप्लोर की बात करते हैं, इसके अलावा किसी को सेव करने की बात है, या अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान में शामिल थे। तो इसका मेन उद्देश्य आप देख सकते हैं इनका ये चीजें, समुद्री क्षेत्र में शांति बनाए रखना, उसकी सुरक्षा देना और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड ये जो नेवल युद्ध कौशल यानी कि वार स्किल और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज का मतलब यह होता है कि ये चार देशों मिलकर कर रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि समुद्र से होने वाले व्यापारी, समुद्र में होने वाले खोज, समुद्र के किनारे बसे हुए कंट्री और इससे लगे हुए जो हमारी बाउंड्री या अदर सुरक्षा की दृष्टि से हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के साथ मैं बता दूं कि यह बेसिकली कहां किया गया है, तो गल्फ ऑफ अदन में किया गया है। तो गल्फ ऑफ अदन बेसिकली कहां है, ये आप देख रहे हैं कि ये गल्फ ऑफ अदन है। और ये गल्फ ऑफ एडन की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान देना कि गल्फ ऑफ एडन की अगर ये हम बात करते हैं, यही ये एक्सरसाइज हुआ है। अब आपको ध्यान देना, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन जो है अरेबियन सी का पार्ट है। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो आप रेड सी है, रेड सी के ऊपर आप जाएंगे तो एक कैनाल है जिसको स्वेज कैनाल कहते हैं, और स्वेज कैनाल की कनेक्टिविटी जो है मेडिटेरियन सी से है, और मेडिटेरियन सी की कनेक्टिविटी अटलांटिक ओशियन से है। तो इस अटलांटिक ओशियन के किनारे जो कंट्री है उनका, और मेडिटेरियन सी के किनारे जो कंट्री है उनका, और फिर उसकी जो कनेक्टिविटी रेड सी से है। और यह रेड सी जो है आप देखेंगे ज्योग्राफिकल मैप अगर देखेंगे तो ये बब अल मंदेव, ये जो कहते हैं कि बब अल मंदेव जो ये आप देख रहे हैं बब अल मंदेव, ये जो एक स्ट्रेट है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्टिविटी करते हैं। और ये जिबूती एक कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, और एक इरिट्रिया है, और ये इथोपिया है, और ये सोमालिया है। तो आप देख सकते हैं कि यह जिबूती और ये इरिट्रिया, इधर सूडान और इधर इजिप्ट, ये और इधर सोमालिया, और उसके बाद ये सोमालिया के बाद ये आप देख सकते हैं ये। तो यही जो हुआ था, यह ज्वाइंट ऑपरेशन यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया था, और यह ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का जो उद्देश्य था वो आप देख सकते हैं। अब यह ध्यान देना कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो उसके आधार पर हम लोग बात कर लेंगे कि यह समुद्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और एक खुली समावेशी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति ये प्रतिबद्धता के तौर पर साझेदार नौ सेनाओं के रूप में साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। कहने का मतलब यह है कि समुद्रों की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस आप अगर ओशियन की बात करते हैं, या एक खुली समावेशी यानी कि ओपन और इंक्लूसिव पैराडाइम, मल्टी डेवलपमेंट मतलब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करता है। समवर्ती रूप से भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र, सूचना संलयन केंद्र का मतलब होता है कि इंडियन नौसैनिक सूचना संलयन केंद्र, हिंद महासागर क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, ये केप आप ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्रों के बीच एक आभासी सूचना साझाकरण अभ्यास है। ये ध्यान देना कि सूचना
साझाकरण अभ्यास है, यानी कि यह इंफॉर्मेशन, ये पार्टनरशिप क्या किया गया है कि एक्सरसाइज किया गया है, जो इन नेव फोर का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। या आपसी संपर्क और भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिकों के बल के बीच तालमेल और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए यह किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है, ध्यान देना, हारना अफ्रीका के बीच यह आभासी सूचना साझाकरण का काम करता है, और इंडियन नेवल के लिए या इंडियन नेवी के लिए यह केंद्र जो है इंडियन ओशियन का एक मेजर फॉर्मूले के रूप में काम कर रहा है, यानी मेजर सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लें तो यूरोपीय संघ के जो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के नौ सैनिकों यानी वहाँ की जो नेवल है और भारतीय नेवल विश्व खाद्य कार्यक्रम चार्टर UNWEF माने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत यह जो खासकर इन क्षेत्रों में तैनात समुद्री डकैती अभियानों एवं जहाजों की सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों के साथ काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो वो बबल मंदेव सोमालिया वाले रीजन है, वो समुद्री लुटेरे वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इस सीक्वेंस में इसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह के ज्वाइंट एक्सरसाइज करना जरूरी था, ताकि हम एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन बना सकें। भारतीय नौसैनिक और यूरोपीय संघ नौसैनिकों के बल यानी इंडियन नेवल, ये बहरीन में सालाना आयोजित, ध्यान देना बहरीन में एक सालाना है, यानी हर साल एक इस तरह का आयोजन होता है, उसका नाम कहते हैं, ये कहते हैं सेड, ये शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लक्शन बैठकों के माध्यम से नियमित बातचीत करते रहते हैं। और सेड बहरीन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनल काउंटर, ये पायरेसी का प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, ये इंटरनेशनल ऑपरेशनल काउंटर पायरेसी प्लेटफॉर्म है, और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसी का एक पार्ट है जिससे कि हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि भागीदारों को सूचनाओं को साझा करना, यानी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके बाद प्रवृत्तियों को विकास एवं आकलन करने वाले सर्वोत्तम प्रथाओं का आकलन करने, और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी एवं पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री डकैतों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बीच संघर्ष रोकने हेतु प्रोत्साहित करना। तो इसका मेन उद्देश्य है, देख ध्यान देना, अदन की खाड़ी की बात करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान की बात करते हैं, और वेस्टर्न अगर इंडियन ओशियन की बात करते हैं, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन के फुली प्रोटेक्शंस के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्वेज कैनाल और रेड सी और गल्फ ऑफ अडन और आपका अरेबियन सी, अब आप कनेक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो लगभग 60% जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, खासकर ट्रेडिंग जो होता है यूरोपियन कंट्री का, इन्हीं के माध्यम से होता है। इसलिए इसका प्रॉपर संचार कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो कि आए दिन जो इस तरीके से समुद्री जो लुटेरे डकैती जो होती थी उसको फुल्ली प्रोटेक्शन दिया जा सके, और इस तरीके से क्या किया जा सके, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ आप देखेंगे कि ये गल्फ ऑफ अडन की अगर हम बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ अडन, ध्यान देना, ये रेड सी की बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ अडन की बात करते हैं, और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, ये ये आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी है, और यहां से आप जाएंगे तो यहां से स्वेज कैनाल के साथ ये क्या होगा, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ। तो इसी रूट से आप देखोगे कि बब अल मंदेव के द्वारा इस तरीके से क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी देता है अरब सी, ये रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान की, और यहीं से व्यापार होता है। और यहां देखोगे कि यहां यूरोपियन, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अगर आप देखेंगे, ये वाला रीजन जो है जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी गरीबी है, और गरीबी होने के नाते ये क्या करते हैं कि ये अपना एक डोंगी यानी एक छोटी सी बोट बना के और इस तरीके से जहाजों को लूटते रहते हैं। तो इनसे प्रोटेक्शंस देने के लिए इस तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज करना जरूरी था। अब आप ध्यान देना कि इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं, और इसी को हम लोग, ध्यान देना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसी को हम लोग केपा फॉर्म के नाम से भी, आप ध्यान देना कि इसे केपा फॉर्म के नाम, ये इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अभी तक
जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है, भारतीय समुद्री अभ्यास जो होता है, जो देख सकते हैं ये श्रीलंका, ये नेवल एक्सरसाइज इंडिया के साथ जो हुआ है वो, उसको हम लोग कहते हैं सिलिनेक्स। ये सिलिनेक्स 2020 में जो हुआ था, आप ध्यान देना, ये 20वां यानी 28th जो ये श्रीलंका के साथ हुआ। उसके बोंगो सागर और INBN ये कॉर्पेट जो है ये बांग्लादेश के साथ हुआ। जीमेक्स जो हुआ वो जापान के साथ हुआ। नसीम अल बहरी ये ओमान के साथ हुआ। ये नसीम अल बहरी जो हुआ वो किसके साथ हुआ, वो ओमान के साथ हुआ। सिलिनेक्स किसके साथ हुआ, श्रीलंका के, बोंगो सागर बांग्लादेश, जिमेक्स जापान और नसीम अल बहरी ये ओमान के साथ हुआ। इसी के साथ अगर देखेंगे तो जैर अल बहरी कतर के साथ, ध्यान देना ये दोनों में, नसीम अल बहरी ओमान के साथ है और जैर अल बहरी कतर के साथ है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, समुद्र शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ है, भारत थाई निगम थाईलैंड के साथ है और एम कोर जो है ये मलेशिया के साथ है। एम कोर मतलब इंडिया और मलेशिया, ये ज्वाइंट ये एक्सरसाइज है, ये हुआ है ये 2020 में। और सिम्बेक्स जो है वो सिंगापुर, सिम्बेक्स जो है वो सिंगापुर। उसके बाद ओस इंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया, ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स जो है वो किसके साथ है, सिंगापुर। मालावार अभ्यास जो होता है जापान, यूएसए और इंडिया। और इंद्र जो है, इंद्र के साथ ये रशिया और इंडिया, इन दोनों को मिला के जो एक्सरसाइज होता है वो इंद्रोद। तो बहुत बार मैचे मैच बी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसके विषय में हम जानने की कोशिश किए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा आज आपका एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए और बायलेटरल इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, बायलेटरल रिलेशनशिप के लिए मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को समझ गए होंगे और मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।